सो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक नॉर्मल से वीडियो को एनिमे में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि इस तरह के रील अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो अगर आपको भी सीखना है तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करके वाले एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो लिप। इसको यहाँ पे इंस्टॉल आपको कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इसे कर लेना ओपन। थोड़ा सा वेट करते हैं और इसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। और फिर यहाँ पे आप कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्किप यहाँ कर लेता हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करके इसे साइन अप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जीमेल या फिर गूगल से भी साइन अप कर सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है और यहाँ पे साइन अप हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऊपर की तरफ क्रॉस वाला आइकन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे अलाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे स्टोरेज को अलाउ कर देना है आपको फोटोज एंड वीडियोज का एक्सेस। और अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जिसे आप एनिमे में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड टू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपके सामने आएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, जहाँ पे आपको इस वीडियो को 9 सेकंड के आसपास ही रखना है, मतलब 10 सेकंड या फिर 9 सेकंड रखना, तभी ये इफेक्ट काम करेगा। तो मैं यहाँ पे इसे 9 सेकंड कर लेता हूँ, तो ये सही है। इसके बाद आपको वीडियो पे क्लिक करना है और वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो AI इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बिल्कुल लास्ट में लेके चल जाना है। आप चाहते हो यहाँ पे कौन सा भी इफेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो AI एनिमे, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है अगर आपको एनिमे में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको जो भी पसंद आए उस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। कुछ कुछ इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा गंदा टाइप का आता है, मतलब रॉन्ग टाइप का आता है, लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल वाला है ये थोड़ा सा ठीक ही लगता है। तो मैं यहाँ पे नेचुरल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है 20 से 25 सेकंड आसपास। जब तक ये लोडिंग ले रहा है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे और वीडियोस में फ्यूचर में लाते रहूंगा इस चैनल पे। तो देख सकते हो इफेक्ट हमारा अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे एनिमे में कन्वर्ट हो चुका है। इसके सिंपली यहाँ पे जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है ऊपर की तरफ, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एक्सपोर्ट सेटिंग है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसे रख लेना 1080p पे। और फ्रेम्स को यहाँ पे 30 पे रखना FPS को। और यहाँ पे वाटरमार्क का टेंशन मत लेना, सिंपली यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वाटरमार्क सिर्फ यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग के 1-2 सेकंड में आएगा, उस वाले पार्ट को आप यहाँ पे वीडियो से कट कर सकते हो, तो यहाँ पे वाटरमार्क और नहीं दिखेगा। सो आई गेस मैंने आपको काफी इजीली सब कुछ समझा दिया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो।